आइसो मेरिज्म आइसोमेरिज्म की हम डेफिनेशन देते हैं, इफ टू आर मोर देन टू मॉलिक्यूल्स having same if two or more than two molecules having same molecular formula but at least one physical or chemical properties is differ either due to different in structure or either due to difference in structure or configuration called isomers and this phenomena is called isomerism. क्या लिखा? At least two or more than two molecules having same molecular formula, same molecular formula, but at least one physical or chemical properties differ, either due to difference in structure or configuration, called isomers, and this phenomena is called isomerism. देखो, इस डेफिनेशन से ये पता चल रहा है, दो तीन चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ. हैविंग सबसे पहले सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा. मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब सेम होगी. लाइक व्हाट? वेपर डेंसिटी बिल्कुल सेम होगी, राइट? मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सब क्या होगी? सेम होगी उसकी. बट एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर. ये डिफरेंस किसके कारण आ सकता है? आइदर ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर आर इन व्हाट कॉन्फिग्रेशन. ये जो मैंने अंडरलाइन चीज़ें करी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्मूला, ओके, ये सही है. दूसरा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी डिफर. तीसरा, स्ट्रक्चर और कॉन्फिग्रेशन मे बी डिफर. फोर्थ,
फोर्थ अब सेम क्या होगा, सेम होगा पहला डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी ये सब सेम होंगे उनके, और डिफर होंगे ये चीज़ें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट हो सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज डिफर होगी ये प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब ये जो स्ट्रक्चरल और कॉन्फ़िगरेशनल बात कही है उसको आप समझे, इस बेस पर हम आइसोमरिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक कहते हैं स्टीरियो और दूसरे कहते हैं स्ट्रक्चरल। आइसोमरिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रक्चरल और दूसरी होती हैं स्टीरियो, दो टाइप की हम कॉम्प्रिहेंसिवली आइसोमरिज्म को क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मीन्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हैविंग डिफरेंट, क्या डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी आर स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, ऑफ एटम्स आर स्ट्रक्चर्स। और स्टीरियो हम कहते हैं सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, स्टीरियो सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। अगर किसी में कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट होगी तो उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा C5H6O, C2H6O, इसके मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए, आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी नहीं है, और इस डिफरेंस इन कनेक्टिविटी, हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी आर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी डिफर हो गया तो स्ट्रक्चर भी यहाँ क्या हो गया, डिफर हो गया, और इसको हम कहते हैं दैट इज
कनेक्टिविटी में क्या आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, अब अगर सेम कनेक्टिविटी हो बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल हो तो इसको हम कहते हैं अराउंड द सेंटर आर एक्सिस, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दिस, स्टीरियो आइसोमरिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये लिखा, और ये लिखा, इसमें हम इस बॉन्ड या एक्सिस के अराउंड देखें, कनेक्टिविटी सेम है, इसमें भी कार्बन से CH3C CH3H CH3H जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अरेंजमेंट देखें तो दोनों CH3 एक साइड है इस एक्सिस के अलॉन्ग और ये CH3 अपोजिट साइड है, मतलब हम इन कहेंगे इनके स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो अगर किसी एक्सिस या सेंटर के अराउंड स्पेशल अरेंजमेंट्स चेंज हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म। समझ में आ गई? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इनमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दोनों के सेम हैं लेकिन इस स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण इनकी इधर ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन डिफर होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। अब आता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को फिर क्लासिफाई किया गया, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म, फिफ्थ टॉटमेरिज्म, एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर हमने क्लासिफाई कर दिया कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल, इसको दूसरा नाम है रोटेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म जो होता है उसको जो कॉन्फिगर्स होते हैं उनको हम रूम टेम्परेचर पर सेपरेट कर सकते हैं। कैन बी सेपरेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। कौन सा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। इसमें भी दो पार्ट कर सकते हैं हम, कार्बन कार्बन रोटेशन ये यहाँ रख लीजिए, एंड इन्वर्जन एमाइन इन्वर्जन, ये दो पार्ट्स में इसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं।
क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आइसोमर्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इफ two isomers having different connectivity of atom called structural isomers rotational isomers can be isolate at room temperature स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग सेम कनेक्टिविटी सेम कनेक्टिविटी of atoms but different spatial arrangement of group or atoms। बताओ कौन से करेक्ट हैं इसमें। आइसोमर्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो डेफिनेशन के अपोजिट हैं। हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल आर केमिकल प्रॉपर्टीज। इफ टू आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सही है। रोटेशनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड एट रूम टेम्परेचर नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग कनेक्टिविटी ऑफ द आइटम्स सेम कनेक्टिविटी ऑफ द आइटम बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप आर आइटम्स, ये सही है। आंसर हुआ बी एंड डी। समझ में आया? ध्यान से पढ़ना है फिर आपको इसको करेक्ट करना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं,
select correct. पहला है फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, बी सेकंड एंड थर्ड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सी फर्स्ट एंड थर्ड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, डी फर्स्ट सेकेंड आर आइडेंटिकल बट सेकेंड एंड थर्ड आर नॉट ए स्ट्रक्चरल आइसोमर. देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदल जाना चाहिए. देखिए आप या कार्बन की CH3 के साथ कनेक्टिविटी है, ऑक्सीजन की दो कार्बन के साथ कनेक्टिविटी है, और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से ही इसकी कनेक्टिविटी, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से ही इसकी कनेक्टिविटी, कुछ भी नहीं बदला है. यानी ये आइसोमर्स नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है. सेकेंड और थर्ड देखिए, सेकेंड और थर्ड में टोटल कार्बन अगर सेकेंड में देखे तो 1, 2, 3, 4 है. यहाँ आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए. मतलब सेकेंड और थर्ड तो आइसोमर्स है ही नहीं. सबसे बेसिक चीज़ें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, वो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं है इनका. इसलिए सेकेंड और थर्ड आइसोमर से ये कहना गलत है. ये यहीं से क्लियर हो गया कि अगर सेकेंड और थर्ड आइसोमर्स नहीं हैं और फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल हैं तो हम कहेंगे आंसर कौन सा हो गया, डी. समझ में आया कैसे चेक किया? सबसे पहले आइसोमरिज्म जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो यू शुड चेक व्हाट वेदर दे हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉट. अगर है तो ही हम आगे बढ़े, नहीं तो फालतू टाइम वेस्ट करना है. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना जरूरी है तो ही आइसोमेरिज्म होगा.